वेलकम बैक। आप देख रहे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और आपके सवालों के जवाब अब हम देंगे शो में। हमारे साथ गौतम कालिया, शेर खान भाई बीएनबी पारिबाद से जुड़ गए हैं। गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं। आनंद साहब अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, बताइए आपने कहाँ कहाँ निवेश किया हुआ है अब तक? मैं मुझे करना अभी निवेश करना है, लेकिन रिगार्डिंग मैं कर रहा हूँ कि मुझे कितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? आप 10,000 रुपए कह रहे हैं कि निवेश कर पाएंगे सर, है ना? 20 ईयर। ठीक है, कंटिन्यूस कितने साल तक? 20 ईयर्स। सर ये बताइए कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना होगा? मैम तो मुझे कॉर्पस का तो नहीं, वही है कि 20 साल में जितना हो सके मैक्सिमम 10,000 मंथली एसआईपी में। तो मुझे कौन कौन से कंपनी के वो शेयर परचेज करने चाहिए? शेयर्स पर तो नहीं, म्यूचुअल फंड्स पे हम आपको राय देंगे शो के जरिए। इससे पहले आपने कभी कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नहीं शामिल किया है ना? कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो है? नहीं मैम, कोई पोर्टफोलियो नहीं अभी। चलिए ठीक है, गौतम के साथ जुड़ना चाहूंगी। गौतम, 10,000 रुपए और 20 साल का समय ये बता रहे हैं, कैसे गाइड करेंगे आप इनको? तो मैं आपको अभी फंड्स के नाम बता देता हूँ। आप ऐसे करिए, 10,000 का मूल्य आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में आप जरा 4,000 उसमें डालिए। मेरे एसेट मिड कैप में 1,500, एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड में 1,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 3,500। तो ये आपका मिला के 10,000 रुपए का पर मंथ आप इसमें सिप करिए। ये आपका अच्छा पोर्टफोलियो बन गया जिसमें लार्ज कैप का 40% है, फ्लेक्सी कैप में 35%, मिड और स्मॉल कैप में कुल मिला के 25% का आपका एलोकेशन होगा। तो ये करते रहिए, मार्केट के उतार चढ़ाव से डरिएगा मत, बस वो पैसा डालते रहिए। जितना और मूल्य बढ़ा सकते हैं वो आप मूल्य बढ़ाते रहिए। अगर मार्केट गिरेगा तो मूल्य और बढ़ाना, कम मत कर देना या सिप मत रोक देना। चलिए, तो क्लियरली जो है आपको अपना निवेश बढ़ाने की तो सलाह दी जा रही है और फंड्स जो बताए हैं गौतम ने उनको अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राकेश जी नमस्कार। सर राकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। कहाँ से बोल रहे हो राकेश? मैं पंजाब पटियाला से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, आपने SBI का स्मॉल कैप डाला है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू ब्लू चिप डाला है, 25 साल तक आप होल्ड करना चाहते हैं, 1.5 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट करने हैं। राकेश, आपकी उम्र 27 साल की है और ऐसे में आपने अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना ली है, मुबारकबाद, बहुत अच्छा लगा। और बहुत कम आपकी उम्र के निवेशक होते हैं जो इतने डिसिप्लिन मैनर में आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को लेकर। लेकिन राकेश, इसके अलावा भी आपके पास कोई पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट्स का, या आपने केवल म्यूचुअल फंड्स के जरिए इक्विटी में पार्टिसिपेट किया हुआ है? नहीं, और तो इसमें नहीं है, स्टॉक मार्केट में तो नहीं है। और आपने शेयर्स खरीदे हुए? नहीं नहीं, उसमें तो नहीं है। मेरा एफडी फंड है कुछ, मतलब एफडी है ना, आरडी टाइप, फिक्स डिपॉजिट है। नहीं नहीं, मैं आर्मी में हूँ, मेरा उधर से जो पीएफ कटता है ना वही। अच्छा, पीएफ कटता है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो उसके अलावा ये आप पहली बार अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी शुरू कर रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, कहाँ पोस्टेड हैं आप फिलहाल? पंजाब पटियाला में पोस्टेड। पटियाला में, चलिए बहुत अच्छा लगा जब आप हमें कॉल करते हैं। और बहुत सारे हमें डिफेंस फोर्सेस के हमारे जो भाई हैं कॉल करते हैं और हमसे सलाह लेते हैं। अच्छा लगता है ये जानकर कि आप सब अपनी आर्थिक आज़ादी के बारे में और अपने फाइनेंशियल प्लान के बारे में सोच रहे हैं और हमसे सलाह मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सराहना आपके काम की जो आप करते हैं पूरे देश के लिए। गौतम बताइए कैसे इनकी सहायता कर सकते हैं? जी तो राकेश जी, आपके जो फंड्स हैं वो ठीक हैं, उनमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जो आपका जो 6,000 चल रहा है उसको एलोकेशन भी ठीक है। जो आपका लार्ज स्मॉल और फ्लेक्सी कैप में 2,000 का है, अगर आप मूल्य बढ़ा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। आपका जो 6,000 का मूल्य है 25 साल में 1,13,00,000 के आसपास बन सकता है, 12% के हिसाब से अगर हम देखें। मगर इसमें अगर आपने 2,000 और डाल दिए मूल्य में, अभी राशि आपकी 6,000 और से आपने 8,000 कर दी महीने की, तो आपका मूल्य फिर 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएगा 25 साल में।
राकेश आपको और कोई सवाल पूछना है गौतम को? मेरे को और 4000 रुपए भरना है इसका, इसी म्यूचुअल फंड में डाले या कोई म्यूचुअल फंड? 4000 रुपए और इसे भी भरना है मेरे को। 4000 रुपए आपको और बढ़ाने हैं, ठीक है, तो मौजूदा रिकमेंडेशंस में ही बढ़ाएं क्या गौतम? जी, तो 4000 अगर बढ़ाने हैं तो आईसीआईसीआई, हाँ ऐसे कर 4000 बोले ना, हाँ तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 1500 बढ़ाइए, पराग पारिक में फ्लेक्सी कैप में 1500 और एसबीआई स्मॉल कैप में 1000। चलिए, तो इस लिहाज से अपने इन्वेस्टमेंट को आप बांट सकते हैं तमाम फंड्स में। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी अपना सवाल भेजने के लिए। प्रताप कुमार मेरे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार प्रताप। नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार, मेरा कहाँ से बोल रहे हो आप? जी हाँ जी, प्रताप कुमार बोल रहा हूँ मैं। जी कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ बताइएगा अपने बारे में। जी जी जी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं कॉलेज का अध्यापक हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पढ़ाते हैं सर? मैं सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस, अच्छा अच्छा अच्छा, बताइएगा सर कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं? हाँ जी जी, मैं जो वर्तमान समय में जो देख रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जटिल होता जा रहा है, मेरे आसपास में बहुतों ने लिया इनका रिटर्न और आपका क्या, जब जरूरत पड़ा तो उस समय उनको नहीं मिला, तो इस तरह समस्याएं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस की? सर हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस की? मैं टर्म इंश्योरेंस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ही बात कर रहा हूं। टर्म इंश्योरेंस का भी बात कर रहा हूं, साथ ही साथ अलग से हेल्थ इंश्योरेंस का भी बात कर रहा हूं। आपके जानकार को जब चाहिए थी, जरूरत थी पैसे की, तो वो क्लेम उनका नहीं हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या वजह सामने आ पाई कि किस वजह से नहीं हुआ? मतलब उनका कुछ जो हेल्थ का जो इशू था, कुछ हेल्थ इशू दिखाया जा रहा था और उसमें बताया जा रहा था कि कुछ क्राइटेरिया उनको बताया, मैं ये डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बस उनसे यही जान पाया था। नहीं समझ गए हैं, कोई बीमारी होगी जो डिस्क्लोज नहीं की होगी या जो उनके कवरेज के बाहर हो सकती है। और टर्म इंश्योरेंस का क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ? टर्म इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस उनका रिजेक्ट, टर्म इंश्योरेंस में मेरा पास कोई केस नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो अभी आपको अपने लिए टर्म इंश्योरेंस भी लेना है और हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है, राइट? और आपका एक म्यूचुअल फंड का भी सवाल है, 10,000 रुपये हर महीना डालना है 10 साल के लिए और 1 करोड़ आपको जो है वो कमाने हैं। सर निवेश को क्या बढ़ा पाएंगे 10,000 से ज़्यादा, जब जब क्षमता हो पाएगी? जी जी जरूर जरूर। ठीक है ठीक है, प्रताप कुमार जी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को लेके एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत ज़रूरी है कि आप खुलासा करें अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन का अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं। और अगर जो फ़िलहाल आपकी हेल्थ कंडीशन है वो इंश्योरेंस पॉलिसी के दायरे में नहीं आती है, तो या तो कुछ समय का वेटिंग पीरियड हो सकता है या वो पूरी तरह से ही उसको क्लॉज से बाहर निकाल सकती हैं। और या अगर कवर करें तो कुछ वेटिंग पीरियड के बाद थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे कवर करें, ऐसा होता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की क्रिटिकल इलनेस की हम बात कर रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट होना कहीं ना कहीं गलत जानकारी आपने अगर दे दी हो इंश्योरेंस कंपनी को, स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग का भी बहुत असर पड़ता है, जब आपने पॉलिसी ली तब आप स्मोकर नहीं थे, अचानक से 1 साल के बाद आप स्मोकर बन गए, आपने वो डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि स्मोकर जो होते हैं उनका प्रीमियम लगभग 15-20% ज़्यादा होता है टर्म इंश्योरेंस में। तो ये कुछ बहुत आम वजह हैं जिसकी वजह से आपका टर्म इंश्योरेंस का क्लेम कैंसिल हो जाता है, और जैसा कि आपने कहा बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है उस परिवार पर जिसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए वो टर्म प्लान लिया गया है। पूरा विस्तार से गौतम समझाएंगे आपको, रेकमेंड भी करेंगे और साथ ही म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी आपको सलाह देंगे। तो चलिए गौतम, सबसे पहले मेरे ख्याल से इंश्योरेंस की ही बात करते हैं, और उससे पहले प्रताप कुमार जी आपके परिवार में कौन कौन है ज़रा बताएंगे उस, और टर्म इंश्योरेंस भी क्योंकि हम आपको रेकमेंड करेंगे तो उसके लिए आपकी ईयरली इनकम भी हमको जाननी होगी, और कोई होम लोन अगर आपके पास है तो वो भी जानना होगा सर। जी जी, मेरे परिवार में मम्मी पापा, मैं, मेरा वाइफ, मेरा बेटा। ठीक है, आप आपकी वाइफ और आपके बेटे और आपके पेरेंट्स? हाँ
हाँ, और तो आपके ऊपर सभी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है? जी जी जी, सभी लोग। ओके ठीक है, और आपकी ईयरली इनकम क्या है? लेस देन 10 लाख। लेस देन 10 लाख। आपके ऊपर कोई लोन है सर? हाँ लोन है। हाँ, कितने का लोन है? होम लोन है। कितने का सर? 23 लाख। 23 लाख का आपके ऊपर होम लोन है। ओके, बिलो 10 लाख, ठीक है, क्योंकि अभी इससे ये तय हो जाएगा कि आपको कितना टर्म प्लान लेना चाहिए। ठीक है, और माता पिता भी कवर्ड नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस से क्या? नहीं 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 नहीं। उनकी उम्र क्या है और उनकी कोई हेल्थ कंडीशंस? पापा 64 साल के हैं और 64 और मम्मी है, हाँ, और मम्मी 56 साल की है और उनका घुटना में कुछ समस्या है। नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। प्रताप कुमार जी, आपका जो सवाल है मैं अपने इंश्योरेंस शो में वापस से लूँगी, लेकिन फिलहाल एक बार गौतम से भी हम सलाह ले लेते हैं और साथ ही म्यूचुअल फंड का जो आपका सवाल है उस पर भी मैं जवाब दिलवा देती हूँ। तो गौतम, टर्म प्लान मुझे बताइएगा, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि आपकी जो ईयरली इनकम है गौतम, उसका कम से कम 10 से 12 गुना ज़्यादा आपका टर्म कवर होना चाहिए, और साथ ही अगर आपके पास कोई होम लोन है तो वो होम लोन का अमाउंट भी कवर होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क को आप कवर करते हैं जब भी आप एक टर्म प्लान लेते हैं, और उसमें आपके ऊपर जितनी भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं उसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके ना रहने पर आपके परिवार की जो ज़िंदगी है वो उसी तरह चलती रहे, वो तब चलेगी जब आप उनको फाइनेंशियली सिक्योर करेंगे, और ये बहुत बड़ा मकसद होता है टर्म प्लान का। तो बताइएगा गौतम, क्या रिकमेंड करेंगे आप? जी, तो आपने एकदम सही कहा कि अगर हम माने कि इनका इनकम 10 लाख के आसपास है और ये 35 साल के हैं और ये अभी अगले 25 साल के लिए काम करेंगे, तो हर साल अगर हमने एवरेज सैलरी इनकी 10 लाख पकड़ ली तो 25 साल में इनका 2.5 करोड़ का जो इनको इनकम आनी है, जो इनकी फैमिली को आनी है, वो इनके जाने से वो इनकम रुक जाएगी, तो 2.5 करोड़ के आजू बाजू कवर ले सकते हैं। मगर अगर 1 करोड़ से भी शुरू करें तो काफी है, उससे आप शुरू करके 2 करोड़ तक के लिए आप बढ़ा सकते हैं प्लान, अगर अभी आप उतना प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं तो। एक तो ये आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद अगर आपको कुछ हो गया तो फैमिली के पास कुछ तो इनकम रहना चाहिए, इनको इसको हम इनकम रिप्लेसमेंट थ्योरी बोलते हैं, जिससे हम कैलकुलेट करके आपका टर्म कवर सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है, जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस की बात की, अगर आपके जहाँ पे आप प्रोफेसर है वहां पे अगर आपको मेडिकल कवरेज नहीं मिल रही या कम मिल रही है और आपको बढ़ानी है तो वो जरूर लीजिए। और जैसे बताया कविता जी ने आपको कि ये इंश्योरेंस के मामले में जितना आप खुलासा करें, जितनी आप पूरा सच बताएं उतना अच्छा है, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है बस, और कुछ दिक्कत नहीं आती है क्लेम के वक्त। तो आप पूरा खुलासा कीजिए ये एप्लीकेशन लेने के लिए। आप कोई बड़ी कंपनी से लीजिए जो मार्केट में काफी देर से है, जैसे कि अगर HDFC हो गया, ICICI हो गया, उन ऐसी कंपनीज में जाके आप ये प्लान ले सकते हैं जहाँ पे आपका मेडिकल कवर भी अच्छा खासा मिल जाए, क्योंकि महंगाई इतनी आ गई है मेडिकल में भी कि वहां पे भी काफी खर्चा हो सकता है, तो इसलिए वो चीज, और आपकी आमदनी भी इम्पैक्ट हो सकती है अगर आपको कुछ तकलीफ आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आपको हो गई, तो फैमिली पे डबल जोर आ जाता है, एक तो आपकी आमदनी अटैक पे आ जाती है और दूसरा आपकी आपके हेल्थ पे खर्चा भी बढ़ जाता है, तो इसलिए ये दोनों चीजें तो आपको जितनी जल्दी हो सके लेनी चाहिए। अब मैं आता हूँ आपके म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप चाहते हैं कि आप 10,000 रुपये का मूल्य हर महीने सिप के तौर पे निवेश करें और उस वो मूल्य आप चाहते हैं कि 1 करोड़ बन जाए 10 साल में। ये मूल्य 12% से अगर ग्रो होगा तो 10 साल में सिर्फ 23 लाख बनेगा, तो आपको ये मूल्य धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 10% से हर साल बढ़ा सकते तो 23 लाख की जगह ये 33-34 लाख बन सकता है।
आपको ये अगर 1 करोड़ ही चाहिए 10 साल में, तो फिर आपको सिप का मूल्य चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्लिच आती हुई दिखाई दे रही है, जब तक गौतम हमारे साथ फिर से जुड़े तो क्लियरली यहाँ पर वो आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी SIP की जो राशि है वो बढ़ानी होगी, जो शायद मैंने आपको चर्चा के शुरुआत में भी कहा प्रताप कुमार जी, और उसके बाद जो है आप अभी मौजूदा आपका जो निवेश है उससे अगर हम लगभग 12% का भी रिटर्न पकड़ते हैं तो लगभग 23 लाख ही इकट्ठा हो पाएंगे, और इसीलिए कम से कम आपको 43,500 रुपये की SIP करनी होगी, जब भी हो सके बढ़ाने की कोशिश करें, और अगर कोई लक्ष्य से बंधा हुआ ये आपका गोल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अगर आप अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाना चाहें 10 साल से ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो गौतम आप उनको बता रहे थे कि अपनी SIP की राशि बढ़ानी होगी, और दूसरा मैं उनसे ये भी बोल रही थी कि अगर वो अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाना चाहें तो अगर 10 साल में ही नहीं, अगर उसे वो और 10 साल दे दें तब भी मेरे ख्याल से अगर निवेश राशि बढ़ाने की क्षमता नहीं है तो ये एक फॉर्मूला भी है जो काम कर सकता है, बताइए। एकदम एकदम, और समय बढ़ाने से और पैसा बनता है। इनफैक्ट जब आप कंपाउंडिंग देखेंगे तो जितने जितनी देर के लिए आप रखेंगे उतना आपको एक्सपोनेंशियल फायदा होता है। मूल्य बढ़ाने से ज्यादा इफेक्टिव समय बढ़ाना होता है, तो आप अगर और लंबे अरसे के लिए रख सकते हैं तो आपका 1 करोड़ का लक्ष्य तो जरूर पूरा हो जाएगा मूल्य बढ़ाने के बगैर, मतलब वो अगर सेम रखें फिर भी। तो फंड्स में आपको जल्दी से बता देता हूं, एक तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में आप 4,000 डालिए, मेरे एसेट मिड कैप फंड में आप 1,500, HSBC स्मॉल कैप में 1,000 और HDFC फ्लेक्सी कैप में 3,500, तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। कुमार जी कोई और सवाल आपको पूछना है? गौतम से काफी विस्तार से उसने आपको सलाह दे दी है उन्होंने, बट अब मुझे बताइएगा कुछ और पूछना है क्या? हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, लेकिन रोशनी का मैं एक सवाल लूंगी जो कि YouTube के जरिए है, और ये हिमाचल प्रदेश से अपना सवाल भेज रही हैं, और इन्होंने SIP शुरू करनी है, 15,000 रुपये हर महीना निवेश कर सकती हैं। गौतम जी, तो रोशनी जी मैं आपको जल्दी से फंड्स बता देता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लंबे अरसे के लिए करेंगे और रिस्क लेने के लिए रेडी है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इक्विटी के फंड्स बता रहा हूँ। तो HDFC टॉप 100 फंड में आप 6,000 डाल सकते हैं 15 में से, मेरे एसेट मिड कैप में आप 2,500 डालिए, HSBC स्मॉल कैप में आप 1,500 डालिए, और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में आप 5,000 डालिए। इससे आपका एलोकेशन लार्ज कैप में 40% होगा, फ्लेक्सी कैप में 35% और मिड और स्मॉल कैप में 25%। तो ये आप करिए, इन फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं, लंबे अरसे के लिए रखेगा जरूर, मिनिमम 5 साल। मिनिमम 5 साल रोशनी आपको इस सलाह के साथ फंड्स के नाम भी बता दिए हैं, और चलिए शो का आखिरी सवाल भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, और श्याम गुप्ता ने अपना सवाल हमें भेजा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000 रुपये की SIP ये कर रहे हैं, 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, और 10 साल में नियरली कितना अमाउंट जो है इनका बन जाएगा? इंटरेस्टिंग सवाल है, श्याम फोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है, वरना मैं समझना चाहती थी कि इनके पोर्टफोलियो में और भी क्या फंड्स हैं या नहीं। तो गौतम मेरे ख्याल से आप दोनों ही तरीके से थोड़ा सा विस्तार से इस जवाब को समझा दीजिए, क्योंकि इन्होंने केवल एक ही फंड के बारे में हमसे पूछा है, और इसके अलावा अब इनके पास क्या क्या एक्सपोजर है अक्रॉस मार्केट कैप्स हमें नहीं पता, बताइए। फंड तो अपने आप में अच्छा है, 10 साल का नज़रिया भी अच्छा है, लेकिन कैसे ज़्यादा जोखिम ना हो जाए उसका कैसे ख्याल रखें? तो पहले तो मैं उनको शॉर्ट में आंसर देता हूँ, फिर विस्तार में प्रॉब्लम समझाता हूँ। शॉर्ट में आंसर ये है कि 4,000 रुपये पर मंथ अगर 12% से ग्रो हुआ तो उनका 9 लाख के आसपास मूल्य बन जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने पूछा है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल मैं ये देख रहा हूँ बहुत कि लोग पिछले 1 साल 2 साल 3 साल का परफॉर्मेंस देख के सारा पैसा सारा मूल्य अपना मिड कैप और स्मॉल कैप में ही लगा रहे हैं, ये उम्मीद में कि जो उनको पिछले 1-2 साल में वो फंड्स ने रिटर्न दिया है वो वैसे ही उनका रिटर्न मिलेगा।
तो जब सब उनको ये बता रहे कि नहीं उसमें रिस्क ज्यादा है, वहां पे वैल्यूएशन का इश्यू है, स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए हैं, तो जवाब हमें क्या मिल रहा है वापसी में कि हाँ मगर मैं 5 साल 10 साल 15 साल के लिए निवेश करने के लिए रेडी हूँ, तो इसलिए मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। ये बात जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अच्छी बात है कि आप 10 साल के लिए पैसा डाल सकते हैं, मगर आप ये समझिए अगर अगले 5 साल में आपका कुछ मूल्य नहीं, मतलब ग्रोथ नहीं आई आपकी, क्योंकि आप अभी पैसा डाल रहे हैं और एकदम करेक्शन आ गई अगले 2-3 साल के लिए, वो स्पेस में आपका स्टॉक्स में आपको रिटर्न नहीं मिला, तो आप यही सोच में रहेंगे कि आपका आपकी सोच में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि जब भी मार्केट गिरती है तो सोच में बदलाव आने में मैंने तो ज्यादातर यही देखा है कि क्लाइंट्स के दिमाग में सोच में एक दिन और दूसरे दिन में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, क्योंकि मार्केट तभी गिरती है जब आजू बाजू जो न्यूज आ रही है वो खराब है, जहां पे प्रोजेक्शंस भी बहुत वीक बता रहे हैं, फिर जाके मार्केट गिरती है तो न्यूज खराब आता है, ऐसे ही नहीं कि आपका मूल्य आधा हो जाएगा ओवरनाइट, वो होता है क्योंकि बहुत न्यूज फ्लो बेकार होती है। इसलिए हम सबको ये बोलते हैं कि आप अपना एक कोर पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें डाइवर्सिफिकेशन हो, थोड़े लार्ज कंपनीज हो जिन्होंने उतार चढ़ाव ज्यादा देखा है, जिनमें क्षमता है उतार चढ़ाव सहने की बिजनेस की, जहाँ पे बिजनेस रिस्क भी कम है इसलिए मार्केट रिस्क भी कम होता है, तो ऐसे कंपनीज में अपना कोर पोर्टफोलियो बनाएं। इसलिए लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज मिड जैसे फंड्स में हम ज्यादा एलोकेशन सजेस्ट करते हैं। आज की डेट में मार्केट ऐसा है कि लार्ज कैप फंड्स थोड़े से अट्रैक्टिव दिख रहे हैं वैल्यूएशन में कंपेयर टू स्मॉल और मिड कैप, इसलिए हम उसमें और भी बोल रहे हैं, 6 महीने से हम इनफैक्ट बोल रहे हैं सबको कि लार्ज कैप में थोड़ा सा आप अपना एलोकेशन बढ़ाएं। तो अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसा है कि आपका 4,000 स्मॉल कैप में जा रहा है मगर आपका 10-15,000 लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में जा रहा है, फिर ठीक है, अगर आप सिर्फ 4,000 डाल रहे हैं वो भी स्मॉल कैप फंड में तो वो गलत है, तो उसके लिए आपको लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप का एलोकेशन रखना पड़ेगा और अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, ऐसे ही आप निवेश करिए। और राइट, चलिए, मेरे ख्याल से काफी विस्तार से आपने श्याम को सलाह भी दे दी है, लेकिन रुख करते हैं अब सीधा आज के गुरु मंत्र की ओर। तो बताइएगा क्या है आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र। मैं मार्केट टाइमिंग के बारे में कहना चाहूंगा कि हम काफी लोगों को बोलते हैं कि मार्केट टाइमिंग मत करिए, मगर फिर भी दिल है कि मानता नहीं, उनको करना उनको उन वो ट्राई करते करने की, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और विस्तार में ये समझाऊंगा कि अगर आप मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगता है कि मार्केट कल नीचे जाएगी इसलिए मैं कल पैसे डालूंगा आज नहीं, तो मार्केट टाइमिंग में आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो मार्केट आगे ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, दूसरी कितनी ऊपर जाएगी और कितनी नीचे जाएगी, और तीसरी कब तक ऊपर जाएगी और कब तक नीचे जाएगी। ये 3 चीजें जब आपको पता हो तभी आप सही तौर पे मार्केट टाइमिंग से पैसा बना सकते हैं। ये 3 चीजें आप मानो असंभव है, किसी को नहीं पता है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप मार्केट टाइमिंग से दूर रहे और निवेश में ये फोकस करें टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। तो ये गुरु मंत्र जो आपको गांठ बांध लेना है, इसी के साथ गौतम बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों के पोर्टफोलियो के सवालों के जवाब दिए। हम भी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार चुनाव नतीजे और आपका पंचवर्षीय निवेश पोर्टफोलियो और इसके साथ साथ आपको किस किस तरह के सेक्टर्स में अगर निवेश करना है तो आपको तैयार रखने चाहिए अपने निवेश के पैसे, जानेंगे क्वांटम म्यूचुअल फंड के CIO से इस ब्रेक के बाद। मैं